गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खड़गडीहा पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, वीडियो निशा कुमारी, सीओ राजेश डुंगडुंग, प्रमुख मीना देवी, पंचायत प्रतिनिधि अर्जुन प्रसाद वर्मा, मुखिया सुनीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद वर्मा सहित कई उपस्थित थे। अन्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किया तथा उसके निदान का आश्वासन दिया। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शिविर में बारीकी से निरीक्षण किया। कहा, शिविर में गरीबों के लिए अब आवास योजना है, फॉर्म भरकर जमा करें, योजना का लाभ लें। वीडियो निशा कुमारी और सीओ राजेश डुंगडुंग ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मनरेगा, पशुपालन, किसी वर्षा सिंचाई को, आयुष्मान कार्ड, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, चिकित्सा JSLPS, बाल विकास आपूर्ति, स्वास्थ्य, दाखिल, खारिज समेत अन्य सभी विभाग का स्टॉल लगाकर लोगों से आवेदन प्राप्त किया। मौके पर मुखिया सुनीता देवी ने लोगों को अन्य विभागों से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिया ताकि शिविर में उपस्थित लोगों को समस्याओं का निदान किया जा सके। इसमें एक बार जहां सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा था कि काफ़ी लोगों का जो है सो खास करके जो सर्वजन पेंशन योजना, आवास योजना, ये सब योजना का जो है सो फलाफल देखा था। और आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहां लगभग 800 आवेदन अबू आवास में आ चुके हैं और राजस्व विभाग में ऑनलाइन के लिए भी काफ़ी संख्या में आवेदन आया है, ये मोटेशन के लिए भी आवेदन आया है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ये पशुधन योजना के निमित्त, बालिका समृद्धि योजना, इस तरह के हर विभाग में आवेदन, राशन कार्ड सुधार के लिए, और हम देखें कि बहुत लोग पैक्स में सदस्य बनने के लिए भी आवेदन आज किए हैं। ये बड़ी बात है, हम चाहेंगे अपने सभी अधिकारियों से, हम ये चाहेंगे कि जो उम्मीद के साथ यहाँ की जनता ने अपना दरख्वास्त आपके बीच किया है, जो आवेदन आपके बीच किया है, उनका लाभ उन्हें मिले, ये हमारा आग्रह होगा सभी अधिकारियों के साथ है। और हम चाहेंगे अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो हमारे मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं, वो इस पर विस्तृत संज्ञान लें, अपना नज़र रखें कि ताकि 100% ग्रामीणों का काम हो सके। धन्यवाद।